हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप चारकोल पेंसिल्स के साथ रियलिस्टिक हेयर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी अप्सरा की चारकोल पेंसिल्स को। तो सबसे पहले इनको पैक में से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ तीन पेंसिल्स, एक हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। तो हार्ड तो इनमें सबसे लाइट चलती है, फिर मीडियम उससे थोड़ी डार्क चलती है, और सॉफ्ट सबसे डार्क चलती है इसमें। तो हम इन्हीं तीनों पेंसिल्स के यूज़ से बनाएंगे इसको। और फ्रेंड्स, हमारे ब्लेंडिंग टूल होगी हमारी मेकअप ब्रश, तो कम्प्लीटली इसी के साथ ब्लेंड करेंगे और कोई टूल यूज़ नहीं करेंगे हम ब्लेंडिंग के लिए। मैंने हेयर्स की आउटलाइन तो ड्रॉ कर ली है, अब इसको सीधा चारकोल पेंसिल्स के साथ ड्रॉ करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप भी ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हमारी हार्ड चारकोल पेंसिल्स और उसको रफली करेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद लेंगे हम हमारी ब्लेंडिंग ब्रश और इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद लेंगे हम मीडियम चारकोल पेंसिल और उसको जहाँ जहाँ पर डार्क्स हैं वहाँ पर कर लेंगे। फिर हम इसको भी इसके ब्लेंडिंग टूल के इस्तेमाल से ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद हार्ड चारकोल पेंसिल्स को अच्छे से शार्प करने के बाद हम स्ट्रोक्स लगाएंगे जिस एरिया में हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं, और उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाना जिस डायरेक्शन में हेयर्स की आपको पिक्चर दिख रही हो। तो इसमें तो कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मैंने हार्ड पेंसिल से तो आउटलाइंस ड्रॉ कर लिया है। और हाँ, आउटलाइन ड्रॉ कर ये स्ट्रोक्स ड्रॉ करते वक्त एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर तो इसको थोड़े प्रेशर के साथ अप्लाई करना, और जहाँ पर नहीं है जैसे यहाँ पे और यहाँ बाहर वाले एरिया पर इसको लाइटली अप्लाई करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कॉर्नर्स थे तो मैंने यहाँ पर प्रेशर के साथ अप्लाई किया, यहाँ पर थे तो मैंने यहाँ पर भी किया। आप भी ऐसे ही करना। तो फ्रेंड्स, इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेना, हल्का हल्का ब्लेंड करना है, आपकी बार ज़्यादा नहीं करना। तो फ्रेंड्स, उसके बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के साथ जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर और डार्क कर दो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हाइलाइट्स देने के लिए आप टोमोमोनो 00 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक सिंपल इरेजर लीजिए और उसको कॉर्नर पे से ऐसे कट कर लीजिए। फिर देखिए गाइस, ये भी बहुत शार्प पॉइंट मिल जाएगा आपको इसको कट करने के बाद। फिर इसके साथ कर लीजिए अगर आपके पास टोमोमोनो 00 नहीं है, इससे थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं, फिर उनको पेंसिल के साथ दोबारा ठीक कर लेना। तो फ्रेंड्स, अब हमारे रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना।